स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बड़ी भैंस देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र हिंसा पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज राज्यसभा में भी ये मामला उठा। एनसीपी, बीएसपी, एसपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सरकार को घेरा। शरद पवार ने सांप्रदायिक ताकतों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया तो शिवसेना ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। बीएसपी और लेफ्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर दलितों को दबाने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सोमवार को भीमा कोरेगांव लड़ाई के 200 साल पूरे होने की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस बीच अचानक हिंसा भड़क गई। दंगे में एक व्यक्ति की मौत के बाद हिंसा पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और पुणे, अकोला, औरंगाबाद और ठाणे से लेकर मुंबई तक में हालात बेकाबू हो गए। इसके बाद राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी और उमर खालिद पर पुणे में हुए कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने कुल 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। इसके अलावा कुल 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस मामले पर राजनीतिक पार्टियां जमकर रोटियां सेक रही हैं। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस और चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी से रमेश चंद्र रतन कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी। और साथ ही साथ प्रोफेसर कौशल पवार हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलाकर जी आपके पास मैं आऊंगा, आपको लग नहीं रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है? हर कोई इसमें अपने अपना बयान दे रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और जो मेन बात है वो कहीं पीछे छूट गई है। अजीब बात यह है अनुज जी कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो वो अपने किसी भी कुकृत्य को स्वीकारने में उसको बड़ी दिक्कत और परेशानियां होती हैं और वो दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। सरकार आपकी है, फासिस्ट मानसिकता आपकी है, आप शुरू से गुजरात में ऊना में जो है वो दलितों पे अत्याचार हुए, मध्य प्रदेश में अत्याचार हुए, ये वो पार्टी है जिसके नेता वीके सिंह ने दलित बच्चों के जलाकर मारने पर ये कहा था कि कुत्ते के पिल्ले के गाड़ी के नीचे आ जाने जैसी घटना है। आप ये समझिए, ये मानसिकता जो है ये उस मानसिकता से फासिज्म की ये निकल नहीं पा रहे हैं और इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान भर में परिलक्षित हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह और स्केप गोट बनाने के लिए नहीं। त्रिपाठी जी मेरा सवाल ये है कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आरएसएस का काम है, बीजेपी का काम है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी जो विचारधारा है फूट डालो, राज करो। हमारे विश्वास सारंग मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा कि इस पूरे दंगे की स्क्रिप्ट जो होती है वो कांग्रेस मुख्यालय में लिखी जाती है और उनके कार्यकर्ता इसको अमल में लाते हैं, तो इन सब से क्या हासिल होगा, इस तरह की बयानबाजी से क्या मिलेगा? अनुज जी यही तो मैं पूछ रहा हूं, इसी तरह की बयानबाजी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात चुनाव के समय में की जब पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सेना प्रमुख पर अनर्गल आरोप लगाए, जो है वो देशद्रोह तक के आरोप लगाए पाकिस्तान से साठगांठ के, और बाद में जो है वो उनके वित्त मंत्री ये कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और उनकी निष्ठाओं पे कोई संदेह नहीं है मनमोहन सिंह जी की और बाकी लोगों की। तो ये लोग वो लोग हैं जो शुरू से समाज को लड़ा करके इन्होंने राजनीति की है। इनका जो राजनीतिक पूरा कैरियर है आज तक का, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात से लेकर के यहां तक का, जो जिस पार्टी के अध्यक्ष ही जो है वो तलवार हो, कौशल आप हमें बताइए जो है एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो फसाद हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, इससे क्या सही मैसेज गया है? क्या यही एक तरीका था विरोध दर्ज कराने का? क्या मैसेज गया इससे? देखिए, इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि ये एक खास गुट ने ये किया है, मतलब आप इसको दोनों गुट का मत मानिए ना। आप ही देखिए कि लगभग पूरे भारत से इस समारोह में लोग हिंसा लेने के लिए गए,
बहुजन और दलित समाज के लोग इस समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए गए भीम कोरेगांव में। वो साथ में हथियार लेके नहीं गए थे, वो साथ में पत्थर लेके नहीं गए हैं, वो खाली हाथ गए हैं। आपने देखा होगा कि जितनी तस्वीरें हमारे सामने सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जितने मोबाइल से लाइव किया जा रहा है, कुछ लोगों ने जो किया, उन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग ने सोची समझी साजिश के तहत इस समारोह को, जो शांतिपूर्ण था, जो अस्मिता के लिए था, जो अपने स्वाभिमान को एक तरह से रिवाइज करने का था, ये आयोजन किया गया था। लेकिन एक एक खास वर्ग जो ये नहीं चाहता था, इसको देखा जा सकता है इस कड़ी में, दो दिन पहले की घटना जो कार्यक्रम हुआ, वो एक खास तरह के वो लोग हैं जो दलित अस्मिता को तार तार करना चाहते हैं, जो एक तरह से पेशवाई शासन को दोबारा फिर उसी कटघरे में लाना। कौन है वो लोग? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो खास वो लोग जो एक तरह से ब्राह्मणवादी मानसिकता के गुलाम है, मनुवादी मानसिकता के गुलाम है, और जो ये चाहते हैं कि ये देश दोबारा से फिर संविधान के अनुसार ना चल के उनकी इच्छा के अनुसार चले, जो ये चाहते हैं कि आज भी जैसे पेशवाई राज में दलितों को हांडी लटका के चलना पड़ता था, अभी भी, उनको अभी थूकने अभी, तक का अधिकार नहीं था। सीधा जवाब नहीं दे रही है मैडम, आप सीधा जवाब नहीं दे रही है। कौन है? मैंने आपसे पूछा कौन है वो लोग? नहीं, मैं तो सीधी बैठे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिये, कांग्रेस के लोग भी कभी भले नहीं रहे, उसमें भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, वो भी जातिवादी चेहरे को लेकर काम करते हैं, और जो हमारी जो आज की जो सत्तारूढ़ सरकार है वो भी हमेशा दलितों को बहुजनों को दबाने के लिए काम करती है, उनकी अस्मिता को, उनको उनकी आजादी को, उनकी अभिव्यक्ति को, उनके वो स्थल वो चिन्ह जो प्रतीक के रूप में है, जो उनकी अस्मिता को जगाते हैं, जो पूरे, मैं तो बधाई दूंगी, बल्कि अगर ये कोरेगांव की घटना इस तरीके से ना होती, जिस तरीके से हमला किया गया, प्रायोजित जो हमला किया गया, ये देश के कोने तक पहुंचता ही नहीं। आपका मीडिया ही, हमारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, वही कह रहा है। तो आप जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आप उस पर बधाई दे रही हैं? नहीं, मैं तो ये मैं इसका समर्थन नहीं कर रही, मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं कर रही। दलित बहुजन समाज कभी भी हिंसावादी नहीं रहा, उसने हमेशा विरोध किया है हिंसा का। हम आप देखिए, यहाँ ऊना की घटना होती है, लड़की को जला दिया जाता है, हरियाणा जैसी जगह में महिलाओं को नग्गा करके घुमाया जाता है, आपके सामने कितने सैकड़ों उदाहरण है, इसके बावजूद भी हिंसा कभी नहीं इस तरीके से आयोजित की गई। दलित समाज कभी हिंसा नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मीडिया जो कभी इसके ऊपर, आप देखिए ना, उस दिन जिस दिन इतने लोग पहुंचे थे, क्या ब्यूरोक्रेट्स को ये नहीं पता था कि लोग इतने इकट्ठा होने वाले हैं? क्या इसका सरकार को इंतजाम नहीं करना चाहिए था? क्या हमारे प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी कि इतने लोग भीम कोरेगांव में आयोजन करने के लिए इकट्ठा हुए? ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आपको लग रहा है इस पर राजनीति हो रही है? आ रहा हूं बताइए। नहीं देखिए, राजनीति सरकारें कर रही हैं, दलित राजनीति नहीं कर रहा, दलित गुट राजनीति नहीं कर रहा, दलित दल स्वाभिमान के लिए क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि आप उनको चिन्हित करिए, जो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि दोनों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। लेकिन सिर्फ आप ये देखिए ना कि उनके ऊपर FIR दर्ज के लिए, आप सबको पता है कि सत्तारूढ़ दल के साथ उनका कितना गहरा संबंध है, क्यों नहीं उसको जेल में डाल दिया जाता? क्या उसके ऊपर देशद्रोह का जिग्नेश पर भी हुई है और उमर खालिद पर भी? उमर खालिद और जिग्नेश, ये वाली घटना और भीम कोरेगांव की घटना, मुझे लगता है दोनों अलग अलग हैं, इनको दोनों अलग अलग संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर हम उमर खालिद के भाषण को या उसके कार्यक्रम को भीम कोरेगांव की घटना के साथ जोड़कर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकारें यही चाहती हैं, वो ये नहीं चाहती कि दलितों का प्रश्न। आप देखिए ना, जब रोहित कमला त्रिपाठी जी इतना आंदोलन चला, जाके कहाँ खड़ा कर दिया हमने जेएनयू के ऊपर जाके? कमला अभी ये चाहते हैं राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक कुछ कहना चाह रहे थे। कमला कर जी, आप अपनी बात कही है। मैं प्रोफेसर साहब की बात को ही और स्पष्ट तरीके से कहना चाह रहा था। वो सीधा सीधा उन्हें ये कहना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका अध्यक्ष अक्सर जो है वो एक चित्पावन ब्राह्मण ही होता है महाराष्ट्र का, जिसकी बुनियाद ही जो है वो जातिगत आधार पर रखी गई है, और इसके फैलाए गए आनुषांगिक संगठन, ये हमेशा से ये काम, अभी जो एक पिक्चर का, पद्मावती पिक्चर का विरोध हो रहा था, पिक्चर किसी ने देखी नहीं, किसी ने वो उसके शॉट्स नहीं देखे सारी चीजों, और निर्देशक कह रहा है कि उन सीन्स को हटा दिया गया है, उसके बावजूद जिस तरीके से जो है पूरे देश भर में जो है रकस हुआ, वो क्या इंगित करता है
ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो फांसीवादी मानसिकता की पार्टी है, और ये दलितों पर अत्याचार करने में ये आज से नहीं, 2500 साल जब से इनकी फाउंडेशन हुई है तब से ये अव्वल रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, रमेश चंद्र रत्न जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता भारतीय जनता पार्टी रमेश चंद्र रत्न जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमेश चंद्र रत्न जी, जब बहस की शुरुआत हमने की तो हमने यहां से की कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग बयानबाजी कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सीधे एक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि मैं अभी कमलापत्र पार्टी जी जिनका माथे पर बड़ा तिलक लगा हुआ है, वो पता नहीं किस चीज का प्रतीक है, पंडित जी का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है, या वो डबल रोल में पार्ट प्ले कर रहे हैं, नहीं कह सकता, लेकिन धर्म के नाम लेकिन वो जो है मुझे आश्चर्य की बात है कि इस देश को हूण सूण मुगलों ने इस दलित जाति के अभ्रंश को पूरा किया और 71 साल की आजादी में 6 दशक तक इन कांग्रेसियों ने जाति पंथ धर्म के आधार पर। नहीं रमेश जी, मेरा सवाल दूसरा है, आप समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब एक राजनीति शुरू हो गई है, जो मेन मुद्दा है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके उस पर ही आ रहा हूँ। 200 साल कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। अरे आप मुझे तो सुन लीजिएगा, अरे आप 200 साल से होता चला, अरे आप सुनाते ही रहे हैं जिंदगी भर। ऐसा है कि 200 साल पुरानी परंपरा 1 जनवरी 1818 याद है, लेकिन आपको 1891 14 अप्रैल याद नहीं? इस महार जाति के एक महान व्यक्तित्व कृतित्व डॉक्टर अंबेडकर, जिनको जीवन पर्यंत कांग्रेसियों ने सताया, 1952 में हराया, फिर वही बात शुरू हो गई, 1953 में हराया, और हराने के अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ, 6 दशक तक आपने दलितों के साथ जिस तरीके से घिनौने अत्याचार किए, आपने देवली कांड, मिर्चीपुर कांड, वेलची कांड, इतने घिनौने कांड अगर आपको गिनाऊंगा तो याद आएगा कि नहीं आएगा? अपने कुनबे को भारत रत्न दिया, संविधान निर्माता को भारत रत्न जात के आधार पर। रमेश जी आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पूछना चाह रहा हूँ नहीं, क्या आज जो है कांग्रेस किस शर्मसार होना चाहिए? आपको तो बात करने का अधिकार नहीं है, दलितों के दुहन का 6 दशक तक वोटों का दुहन करते रहे हो, आपको अधिकार ही नहीं है दलितों के नाम पर बात करने का। उस पुरानी सदियों से दास्ता को आपने 71 साल में 6-7 साल तक ढोने का काम किया, और पूछना चाह रहा हूँ आप किस डॉक्टर किस महाजाति की बात करना चाह रहे हो? आप ये समय आपका खालिद वो निजाम हैदराबादी को याद दिला देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था निजाम हैदराबादी ने कि रियासत ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, लेकिन आप इस्लाम ग्रहण कर लो, उस कट्टरवाद को रमेश चंद्र रतन जी नहीं किया। रमेश चंद्र रतन जी जिग्नेश किस बात की बात करता है? डॉक्टर अम्बेडकर बात की बात करता है? डॉक्टर अम्बेडकर ने डिग्रियां प्राप्त की, डॉक्टर अम्बेडकर कुनवे को पाल सकते थे, जात के नाम पर संविधान की दिया, ये दलित के नाम पर दुश्मन है, समाज के नाम पर दुश्मन है, ये 200 साल पुरानी परंपरा को संविधान देकर के बनाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। आज जिग्नेश, आज खालिद मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है अब सुन लेते हैं, ठीक है कमलाकर जी को सुन लेते हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं। त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी अनुज भाई एक शेर है कि न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, मुझे रहजनों की फिक्र नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सत्ता में आप हैं और आपके इशारे पर जिस तरीके से आपके लोग जो है जाकर के दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तुम्हारा अहंकार लुट गया, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है देश को, तुमने जात धर्म पंथ के नाम पर लूटा है, और आज नाटक करके तिलकधारी बन रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, कौशल को खा गए हो अपनी बात, जात पंथ आज भी आपको राजनीति के नाम पर लुट रहे हो, ये देश में पूछ करके नहीं, आपने 1857 अमर शहीदों की लाश पर
ठीक है रमेश जी ठीक है त्रिपाठी जी, कौशल जी कुछ कहना चाह रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, तिलकधारी होना, ये दूसरी चीजें होना, दलितों को तो अधिकार ही नहीं दिया गया, कभी अधिकार नहीं हुआ। एक तरफ आप उनको हिंदू कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, जवाब देना पड़ेगा। जब सारी चीजों की जानकारी थी, उनको पता था कि दलित अस्मिता का प्रतीक कोरेगांव हर साल मनाते हैं, अब की बार बाकायदा भव्य समारोह के रूप में मनाया गया, तो सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया। दूसरी चीज ये कि आपको मैं भी छोटी सी लाइन बता देती हूँ। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा भीम के नारों में। रमेश जी ध्यान रखिएगा कि अब वो सदी नहीं है कि आप कांग्रेस जवाब ले लेते हैं, बीजेपी बना के मैडम जवाब ले लेते हैं, कुचलने का प्रयास जवाब ले लेते हैं। रमेश जी जवाब दीजिए, मैडम का परिचय भी मेरे को। मैं डॉक्टर कौशल पवार हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और समाज के लिए दुख दर्द को लेकर बातचीत करती हूँ। डॉक्टर कौशल पवार जी, आप किताब के पन्ने पलट करके अपने यूनिवर्सिटी में बैठ करके दलितों को दर्द का आपको एहसास नहीं होगा। मैं उस समाज से आती हूँ जिसने हर तरह के दुख दर्द को झेला, हर तरह के आपने वाले को भी देख लिया, ठीक है। रमेश जी को सुन लेते हैं, उनकी पूरी बात सुन लेते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया कौशल जी, पेशवा समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, झाड़ू टांग के पीछे लटकाने के मजबूर किया। कौशल जी सुन लेते हैं ना, थूक चाटने के लिए रमेश जी को सुन लेते हैं। रमेश जी को आपको पता है कि आप दलितों को, आप पूरी बात तो सुने, उनको तो अनशीन का है। आपने अपनी बात कह ली, बाहर निकलने का अधिकार, आप अपनी बात कह ली, आपने अधिकार कहाँ दिया। रमेश जी कहिए, मैं तो दोनों को कह रही हूँ, मैं बीजेपी को नहीं कह रही, मैं तो उस सत्ताधारी उस एक खास मनोवादी सोच, वो कांग्रेस में भी। अरे मैडम कौशल जी, जिस व्यक्ति से बात सुन रही हो कर रही हो, आपने तो दलित की पीड़ा न जानी होगी न जीवन में सोची होगी। मैं दलित जाति का ही व्यक्ति हूँ, अरे सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, अरे कुछ नहीं, आपकी उम्र भी नहीं, आपकी उम्र भी नहीं होगी। मैंने अरे अरे एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है अरे जो थोड़ा सा भी याद करने योग्य, सुनना पसंद करो प्लीज, सुन ले कौशल जी, सुन ले जवाब, तो सुन ले, ऐसा है जवाब, सुन ले जवाब, सुन ले। जीवन मेरा, आपकी उम्र भी नहीं होगी, 45 साल का राजनीतिक जीवन है, 65 वर्ष उम्र है, और हमारे उम्र से सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी सुन लो, सुन लीजिए जवाब। मैडम कौशल, 84 आपको हिंदुस्तान के जो है देवली कांड भारत, अरे संविधान में भारत शब्द है, संविधानिक शब्द भारत है, यहाँ हर दलित, हर मुस्लिम, हर डिफरेंट सेक्शन का, हर महिला सबका अधिकार है, ये हिंदुस्तान नहीं भारत है। मैडम कौशल जी आप करेक्ट करिए सर, भारत में रहते हैं, संविधानिक शब्द है हमारा भारत, ऐसा है, जवाब सुन। संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को आप ABCD नॉलेज नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का विद्वान हूँ, बिल्कुल, और मेरे को बोलने का भी पैसे मिलते हैं, प्लीज मेरी सुन लीजिएगा, मैं भी दलित जाति का ही व्यक्ति हूँ, और लंबा जीवन जो है संघर्ष मेरे जीवन में कूट कूट करके परोया है, अम्बेडकर वाद की भावना से मैं कूट कूट करके, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने DS4 बसपा और मायावती जैसी को नेता बनाया, कांसीराम का प्लानर प्रोजेक्टर एडवाइजर रहा हूँ, जिसने हिंदुस्तान के हजारों कार्यक्रम में इतिहास रहा है। लेकिन मेरी बात सुन लो, मेरा सिर्फ कहना यह है कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिन कांग्रेसियों ने मेरी बात को गंभीरता सुन ले सताया, लेकिन उन्होंने संविधान में जहर नहीं घोला, संविधान की धाराओं में अपनी पीड़ा को प्रोहित कहिए। त्रिपाठी जी अपनी बात कहिए, कहिए अपनी बात, आपने संविधान, रमेश जी आप अपनी बात कह ली, रमेश जी आप अपनी बात कह ली, ये कभी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने वहां पर दलितों पर इस तरीके से दंगा किया और इस तरीके से अत्याचार किया है, इनकी वहां सरकार है और सरकार की शाह पर यह सब होता है, ये पूरी तरह से जो है वो इस चीज के मुलजिम है, लेकिन ये किसी भी तरीके से ये बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जवाब ले लेते हैं रमेश चंद्र रतन जी, स्वयं के महिमा मंडन का अड्डा बना पार्टी जी, आप जवाब ले लेते हैं, मुद्दों पर बात करिए कि ठीक है कहिए अपनी बात। ऐसा है त्रिपाठी जी, मैं तो बहुत आश्चर्य कर रहा हूं कि आपको दलितों का मोह कब से सताने लग गया,
आपके इस कांग्रेसियों ने कभी दलितों के मुंह को जाना नहीं। जगजीवन राम को बेइज्जत करके निकाला, एक भी दलित को जिस समय 1975 में, देखिए उन्होंने क्या किया दलितों के, उन्होंने क्या किया रमेश जी उन्होंने क्या किया। आज आप अपनी बात कहिए ना, कटबद्ध है, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है और एट्रोसिटी एक्ट में मोदी जी की पहली सरकार है जिन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को उसमें प्राविधान के स्वरूप को बदल, बात वो नहीं है जो सवाल यहाँ पर कौशल जी ने उठाया था, नहीं रमेश जी जो सवाल कौशल जी ने उठाया था, उन्होंने कहा कि इतनी जब भीड़ होती है वहां पर हर साल ऐसी तस्वीर दिखाई देती है तो पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये सरकार का फेलियर है या नहीं है। मेरी बात पूछ लीजिए, ऐसा है जिग्नेश, मैं अभी गुजरात में था, जिस जिग्नेश जो समाज की बात करे, जो जिग्नेश डॉक्टर अम्बेडकर की बात करे, लेकिन वो जिग्नेश समाज को अंगारे में, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं कर रखी थी, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी, और जो जहर उगल करके आप कानूनी हरकत करे, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। और पराक्रम ये नहीं है, वर्ड ऑफ सिंबल नॉलेज जिसका पराक्रम डॉक्टर अम्बेडकर का विश्व पता का फैली है, उस समाज को भी चिंतित होना चाहिए कि समाज का अब विषमता से नहीं विरोधाभास से, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लो, उनको यातनाओं में रमेश जी में रोक रहे थे, जवाब नहीं दे रहे हैं, आज आप इधर सर की बातें कर रहे हैं, नहीं खालिद और जिग्नेश का जो कार्यक्रम है वो अलग चीज है, हम उसके ऊपर बातें अलग कैसे है, जो देश के टुकड़े कर रहे हैं, जो देश का टुकड़े करे, हम जो दलित के नाम पर कौशल के, रमेश जी इसका साथ दे, रमेश जी सीधा सवाल है, एक मिनट कौशल जी, एक मिनट एक मिनट कौशल, हाँ सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए रमेश जी, आज आप इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं घुमा रहे, पहली चीज तो ये है, हो जाएगा उमर खालिद का, हम समर्थन ही नहीं, ठीक है जवाब जवाब सुन लेते ना, 200 साल पुराने पराक्रम को अगर हम उसको पराक्रम को जीते ऐसे चीजों को हम याद करेंगे जिसमें समाज बिखराब हो, मैं भी उस सदियों से पीड़ित, कौशल जी ने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, पानी का पनारा झाकर मैं भी उसका एक प्रतीक हूँ, लेकिन हम पुरानी चीजों को याद करके हम समाज में बिखराव नहीं होना, ठीक है ठीक है। कमलाकर त्रिपाठी, कमलाकर त्रिपाठी, कमलाकर त्रिपाठी, एक सवाल मेरा आपसे है, एक मिनट कौशल जी, चाहती हूँ कि ये एक तरह से ना तो जातीय जहर घोलने के लिए प्रोग्राम किया गया था और ना ही सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, ये सर सर प्लीज, किसने दी सर, स्पीच किसने दी बताओ सर, ना सर, उमर खालिद और उसको छोड़ दीजिए ना, क्यों छोड़े, क्यों तो भीम सर, भीम कोरेगांव की घटना की बात है, भीम सर चर्चा भीम कोरेगांव की घटना पे जो शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण समारोह पकड़ में क्या किया मैं करीब से जानता हूँ सर, भीम के नाम पर घोसला, समय पूरा हो रहा है, बेवकूफ बनाना, समाज को लूटना, समाज सर आप सर समय पूरा हो रहा है, कौशल जी कौशल, समय पूरा हो रहा है, कमला का त्रिपाठी जी, समय पूरा हो रहा है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, कौशल जी समय पूरा हो गया है, कौशल जी समय पूरा हो गया है, ये जो घटना हुई उसकी हत्या, उसको हत्या का विरोध, ठीक है, मुकदमा चलना चाहिए, घटना निंदनीय है, निंदनीय है, समय पूरा हो गया, सरकार भी कटबद्ध है, उसके ऊपर न्याय देखिए, दलित के रूप में भीम कोरेगांव की घटना में एक बार फिर बहुत कौशल पवार, कौशल पवार फैलाने के लिए नहीं थी, जातीय जहर घोलने के लिए नहीं थी, स्वाभिमान के, ठीक है कौशल पवार, हम समझ गए आपकी बात, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश चंद्र रतन जी और कमलाकर त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत शुक्रिया, समय पूरा हो गया और हमारा आज सवाल यही था कि जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो कहीं दूर छूटती चली जा रही है और यही हमारे स्टूडियो में भी आज देखने को मिला। आप देख रहे थे बड़ी बहस, आप बने रहिए समय के साथ, नमस्कार।